राजीव जी, आजकल युवा हिसाब मांग रहे हैं सरकार से, जवाब मांग रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। 10 साल आपको हो गए दीपेंद्र हुड्डा यात्रा लेकर निकले हुए हरियाणा के अंदर, क्या जवाब है कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास? देखिए संजय जी, आपने अच्छा सवाल किया। मैं देख रहा हूँ ये शगुफा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, तो रादर वो क्या जवाब मांगेंगे, हम उनसे जवाब मांगना चाहते हैं कि पहले वो अपने बारे में तो बताएं कि उनके 10 वर्ष का जो कार्यकाल था, जैसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा है कि उनको तो सवाल उठाने का हक नहीं है। जो सवाल पूछ रहे हैं वो अपने पिताजी से तो पूछें पहले कि जो जमीन अधिग्रहण की जो पहले स्थिति हुआ करती थी, भोले भाले किसानों से सस्ते रेट पर जमीन अधिग्रहित करके, और जो उनको अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जमीन, उनकी कंपनियां जो बेनामी कंपनियां हैं उनके नाम पर जमीन छोड़ दी गई थी, उनके वो केस उनके ऊपर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, चुनावी सीजन शुरू हो चुका है, चुनावी बयार चल रही हैं, चुनावी हवाएं बहुत तेज हैं। तमाम राजनीतिक दल इस चुनावी मौसम के अंदर हिसाब किताब लेकर चल पड़े हैं, हिसाब मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं सरकार से, अपने और पराये सब हिसाब मांग रहे हैं। एक तरफ तो सरकार से हिसाब मांगने वालों में वो लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं, दूसरी तरफ सरकार के प्रतिनिधियों से अपने भी हिसाब मांग रहे हैं। कुछ इन्हीं सवालों को लेकर के कि आखिर इस हिसाब का जवाब क्या है सत्ताधारी लोगों के पास में, मैंने आमंत्रित किया स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए नेता हैं, पलवल जिले की भाजपा के उपाध्यक्ष हैं राजीव कत्याल। नमस्कार राजीव जी, आजकल युवा हिसाब मांग रहे हैं सरकार से, जवाब मांग रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, 10 साल आपको हो गए दीपेंद्र हुड्डा यात्रा लेकर निकले हुए हरियाणा के अंदर, और वो हरियाणा की सरकार से पांच, आपकी पुरानी वाली मनोहर लाल जी की सरकार और नई नवेली 3.5 महीने की नायब सैनी सरकार, दोनों से हिसाब मांग रहे हैं जी, क्या जवाब है कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास? देखिए संजय जी, आपने अच्छा सवाल किया। मैं देख रहा हूँ ये शगुफा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन शायद सत्ता से काफ़ी समय से दूर हैं। 10 साल से उनके पिताजी 10 वर्ष पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है कि ऐसे बहुत से सवाल जनता उनके पिताजी से, जो उस समय उनकी कारगुजारियां थी जब उनकी सरकार थी, उनसे पूछना चाहती थी, इसी वजह से उनको सत्ता से बाहर किया था हरियाणा की जनता ने। तो आज वो भाजपा से जवाब मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं, हरियाणा मांगे जवाब। तो मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले, और वो कल शायद फरीदाबाद भी आ रहे हैं, फरीदाबाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पलवल भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं पलवल से संबंध रखता हूँ। आपने ये बड़ा अच्छे मौके पर सवाल पूछा, तो रादर वो क्या जवाब मांगेंगे, हम उनसे जवाब मांगना चाहते हैं कि पहले वो अपने बारे में तो बताएं कि उनके 10 वर्ष का जो कार्यकाल था, जैसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा है कि उनको तो सवाल उठाने का हक नहीं है, सवाल वो उठाए कि जिसका अपना दामन साफ हो। राजनेता को सवाल उठाने चाहिए जनता के हितों के लिए, तो मैं उसका जवाब भी देना चाहिए और हमारी सरकार, हमारी पार्टी को भी जवाब देना चाहिए, हम भी जवाब देंगे। लेकिन मैं पहले कहना चाहता हूँ, ये जो वो सवाल उठा रहे हैं, सत्ता लोलुपता है, वो सत्ता में आने के लिए जनता से वो मुद्दे छुपाना चाहते हैं जो उनके ऊपर, जो आपने उनके सवाल देखे, जो उनका एक पत्रक मैंने देखा पिछले दिनों, उनके उस पत्रक में सबसे पहला सवाल उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार में हरियाणा सबसे नंबर एक पर हो गया भाजपा की सरकार में। जी मैं बड़ा हैरान हूं ये सवाल देखकर उनका, कि रिटर्न में उन्होंने सवाल लिखा उस पर और वो पूछ भी रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, कांग्रेस तो खुद भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस पार्टी की जब सेंटर में भी गवर्नमेंट थी, जो 2G स्कैम, 3G स्कैम, अगस्त्या वेस्टलैंड स्कैम और दुनिया भर के जो बोफोर्स घोटाले, जितने घोटाले कांग्रेस की सरकार में आए, जो भ्रष्टाचार की जो बात आज ये करते हैं, इनको करने का मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूं, अपने हरियाणा प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को एक क्वेश्चन उठाने का हक है जो घिरे पड़े हैं भ्रष्टाचार के आरोपों से? और मैं पुरानी बात नहीं करता, मैं आज की बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी के, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों, सोनीपत के नेता जो मौजूदा विधायक हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपों में कहां हैं इस समय? आपको सबको पता है, आप तो खुद पत्रकार जगत, पत्रकार हैं। सरकार की एजेंसियां चलती हैं। देखिए एजेंसियां सरकार की नहीं होती, एजेंसियां देश की होती हैं। अगर आप आज हम एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, तो फिर तो अब मुझे बड़ा ये सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर हो जाएगा। तो फिर तो जो भी अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन होगा, वो कहेगा कि सरकार, ये तो एजेंसियां, ऐसी सरकार की एजेंसियां हैं। राहुल गांधी जी पर भी सवाल उठे थे, उन्होंने भी किसी का, जो आपको पता है उनके ऊपर पीछे केस चला,
लेकिन जब कोर्ट से उनको न्याय मिल गया तो आज सब कुछ न्यायपालिका ठीक है। नहीं, फिर राहुल फिर कह रहे हैं कि ईडी फिर साफ मारेगी उनके यहाँ पर। देखिए, वो उनको लग रहा होगा उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो उनको पहले ही अंदेशा हो रहा होगा, नहीं तो ऐसा सोचने का क्या बात हुई। चुनाव में अब देखिए, इन्होंने लोगों को भड़काने के लिए कहा कि एससी समाज का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। किसने संविधान बदला, ये नारा किसने, मुझे आप बताइए कोर्ट करके। क्या हमारे किसी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट कभी आई कि जिसमें बोला हो कि संविधान चेंज कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये लोगों को चुनाव के टाइम पे बरगलाते हैं। और अब हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा पर जा रहे हैं, हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में चुनाव का ये एक मुद्दा इन्होंने बना लिया, हरियाणा मांगे जवाब। मैंने आपको बताया भ्रष्टाचार में सबसे पहले सोनीपत में देखिए आप, अहिरवाल में देखिए इनके नेता, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और मैं और किसी की बात नहीं करता, जो सवाल पूछ रहे हैं वो अपने पिताजी से तो पूछें पहले कि जो जमीन अधिग्रहण की जो पहले स्थिति हुआ करती थी, भोले भाले किसानों से सस्ते रेट पर जमीन अधिग्रहित करके, और जो उनको अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जमीन, उनकी कंपनियां जो बेनामी कंपनियां हैं उनके नाम पर जमीन छोड़ दी गई थी, उनके वो केस उनके ऊपर चल रहे हैं। तो पहले मेरा सिर्फ कहने का अभिप्राय ये है कि ये पहले उन सवालों का जवाब खुद दें। जवाब उनसे तो ले लिया जनता ने, 10 साल सत्ता से दूर कर दिया उनको। जी नहीं नहीं, दूर कर दी, लेकिन उन्होंने खुद जवाब नहीं दिया ना, वो जनता ने जवाब मांगा, जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। आज जो व्यक्ति सवाल करने आ रहा है, मैं कह रहा हूं वो साथ साथ जब वो सवाल करते हैं बड़ा चौड़े होकर और बड़ा निर्भीकता से सवाल कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं साथ साथ उसका जवाब भी देते हैं कि जो वो जमीन अधिग्रहण में जो सारी कोताही की गई उसके बारे में उनका कहना क्या, श्वेत पत्र वो भी जारी करें। तो आपकी सब पार्टी भी कोई ऐसी यात्रा निकाल सकती है क्या कि हम भी सवाल कर लेते हैं इनसे? देखिए, हमारी पार्टी इस समय सत्ता में है, हमारी पार्टी जनता की सेवा में है, और जनता जो उनके कार्यों का परिणाम हमारी पार्टी का होगा, अभी आपने केंद्र में देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दोबारा तीसरी बार, लगातार तीसरी बार, मुझे लगता है इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि और गिनी जाएगी आने वाले टाइम में कि तीसरी बार एक पार्टी की कार्य प्रणाली से जनता खुश होकर तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी एक नेता को दी गई। और आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में तो अभी टेस्ट होने वाला है, अभी 2024 में कितने 2 माह का समय शेष है। तो सवाल तो जनता पूछ रही है, जनता उसका जवाब भी जनता देगी। मैं कहना चाहता हूं सवाल पूछने का हक जनता को होता है, और जनता सवाल पूछे और उसमें जो भी चुनाव आएगा उसमें परिणाम भी सामने आ जाएगा। चलिए, ये तो हो गया कि आप कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी सवाल पूछे पहले अपने पिताजी से, सरकार से तो पूछ लें। जी जी जी, और अपने पिताजी से भी पूछ, बिल्कुल पूछे अपने पिताजी से। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं, दूसरा उनका रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। मैं उस पर भी कहना चाहता हूँ, रोजगार की इतनी हास्यपद स्थिति है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। आप देखिए, पिछले सारे हरियाणा को पता है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो किस प्रकार जो नौकरियां हैं, नौकरियों की बंदर बांट के केवल एक क्षेत्रवाद के रूप में कर दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सारा हरियाणा परिवार है, सब हरियाणा के बच्चे, संसाधनों पर सबका हक है, खाली एक क्षेत्र का नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में तो सारी की सारी नौकरियां, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है हम सरकार में हैं आज, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर जनता को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से, सत्ता लोलुपता में सत्ता पाने की अगर दृष्टि से सिर्फ लोगों में अगर दुष्प्रचार कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं जब वो सवाल पूछे पलवल, इधर फरीदाबाद आकर पलवल आकर एक सवाल साथ में खुद उसका जवाब ही दे दें। मेरा सवाल भी ओपन रहेगा वहां उनके लिए कि क्या श्वेत पत्र जारी करें कि अगर उस समय नौकरियां लगी थी रोहतक के आसपास के एरिया की कितनी नौकरियां थी और शेष हरियाणा में कितनी नौकरियां परसेंटेज थी। मतलब ये आप सवाल कर रहे हैं उनसे, बिल्कुल सवाल जवाब मांग रहे हैं, बिल्कुल सवाल कर रहा हूं मैं। आप हमसे तो सवाल करो, हमें जवाब भी दो, और उसका जवाब मैं दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप देखें, कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं, समस्त हरियाणा में नौकरियां जो हुई मेरिट पर नौकरी दी गई, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी गई। आज गरीब व्यक्ति, एक पीएन का, एक चपरासी का बच्चा आज कितने गर्व से कह सकता है कि मेरा बेटा भी एसडीएम भी बन सकता है, एससीएस भी बन सकता है। राजीव जी, आपने भी एक बात छेड़ दी, मुझे एक बात एकदम बीच में ध्यान आ गई। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ करण सिंह दलाल थे जी, वो मुझे कह रहे थे कि जो मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया था, मैंने कहा कि वो कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के और समान रूप से नौकरियां मिली। वो कहते हैं कि ग्रुप डी की नौकरियों के अंदर जी सरकार ये बताए कि पलवल जिले को और फरीदाबाद जिले को क्या उसका पूरा हक मिला, ये उनका सवाल था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्षेत्रवाद का काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो बच्चा योग्य है, जो व्यक्ति टेस्ट पास करता है या ग्रुप डी की भर्ती में, तो कोई टेस्ट ही नहीं, ग्रुप डी की भर्ती में अगर इंटरव्यू के माध्यम से जो नंबर होते हैं, सरकार ने नंबर नियत कर दिए हैं, इस वर्ग के व्यक्ति के लिए इसके इतने नंबर होंगे, इसके इतने नंबर होंगे, जो उसको क्वालिफाई करता है उसको नौकरी मिलेगी। यहाँ ये बात कहाँ है कि इस क्षेत्र के लोगों को उसको हक मिला कि नहीं मिला,
ये तो जब था जब बेचारे बच्चों को नेताओं की चौखटों पर जाना पड़ता था, जब बात आती थी कि क्षेत्र के लोगों को उतना रोजगार मिला कि नहीं। आपने अच्छी बात करी करण सिंह दलाल जी की, करण सिंह दलाल जी की तो एक पॉलिसी रही है हमेशा से, 25 वर्ष उन्होंने पलवल के जनता के प्यार से उनके सहयोग से प्रतिनिधित्व किया, लेकिन रोजगार की उनके टाइम में क्या स्थिति थी? मैं कहना चाहता हूं जब वो सवाल करने जब दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी पलवल आएंगे, करण सिंह दलाल जी भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उस पर जवाब दें वहां पर, वो भी वो बताएं कि उन्होंने क्षेत्र में कितना रोजगार दिलवाया। लोगों तो लोग ये कहने से चूकते नहीं है कि पलवल के युवाओं का जो उस समय हिस्सा हुआ करता था वो तो रोहतक की चौखट पे पड़ा रहता था। हमारे इतने दबंग विधायक थे वो, जो कहते हैं अपने आप को स्वयंभू कहते हैं कि मैं बड़ा दबंग, मैंने बड़ा इलाके की राजनीति करी। मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस समय जो पलवल के युवाओं का नौकरी में हिस्सा हुआ करता था वो रोहतक के लोगों को मिल जाया करता था, और दलाल साहब ने कभी लोगों के युवाओं के रोजगार के लिए हित की कभी भी आवाज उस समय नहीं उठाई। तो मैं कहना चाहता हूं दलाल साहब की आपने बात कोट करी, इसीलिए मैंने बोला मैं किसी का नाम लेकर नहीं तो बात नहीं करना चाहता था इस बारे। चलिए, ये तो हो गए वो सवाल जो कांग्रेस वाले आपसे पूछ रहे हैं जी, सवाल तो राजीव जी अपने भी आपसे पूछ रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था एक सोशल मीडिया पे, कल पलवल से आप आते हैं तो हरियाणा की बात कर ली, देश की बात कर ली, पलवल कर लेते हैं जी। आपकी पार्टी के एक नेता हैं, वो एक रिक्शा में बैठ करके जा रहे थे और एक हमारे साथी हैं पलवल के, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही थी। वो कन्वर्सेशन जो था वो ये था कि पलवल विकास में डूब गया। एक सड़क दिखा रहे थे, वो सड़क के अंदर मैंने वो वाला सवाल पलवल के विधायक दीपक मंगला से भी किया था और मैं आपसे भी कर रहा हूँ जी, और वो आपकी पार्टी के नेता आपसे कर रहे हैं, सभी तो कर रहे हैं। सवाल बताइए क्या। संजय गुर्जर कह रहे थे कि एक सड़क दिखा रहे थे, खासकर वो ओमैक्स सिटी से और पंचवटी की रोड की, लगभग 16 महीने पहले वो सड़क बनी थी, वो सड़क की इतनी जर्जर स्थिति हो गई, वो सड़क सारी बैठ गई, डंप हो गई, और अब उसका नया टेंडर छोड़ा जा रहा है, नए टेंडर छोड़ने की प्लानिंग है। देखिए संजय, ये जवाब कौन देगा? संजय जी, इसका जवाब भी हमें ही देना चाहिए। मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता हूँ, मैं संगठन में एक पदाधिकारी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही को सही और गलत को गलत ना बोलूँ। संजय गुर्जर जी ने अगर कोई सवाल किया, निश्चित रूप से उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वहाँ पर सड़क, देखिए जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर सड़क का होता है, किसी ठेकेदार को अगर टेंडर मिलता है और वो सड़क बनाता है, निर्माण करता है, और 3 वर्ष के अंदर अगर वो सड़क टूट जाती है तो मेरी जानकारी के हिसाब से एक क्लॉज उसमें रहता है कॉन्ट्रैक्ट में कि उस ठेकेदार को उसकी मरम्मत करनी चाहिए, उसको पुनः उसका ठीक करने का कार्य उसको करना चाहिए। क्या वैसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। उनकी क्या बीजी जब्त नहीं करनी चाहिए? देखिए मैं उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? उसके अलावा भी अगर सड़क की वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं राजीव जी। संजय जी मैं यही बात कह रहा हूँ कि उस, मैंने इसीलिए मुद्दा उठाया कि 3 वर्ष के अंदर उस ठेकेदार की पूरी जिम्मेवारी बनती है उस सड़क को दोबारा से ठीक करने का। अगर जैसा कि मैंने भी देखा वो वीडियो और मैं बड़ा दुखद स्थिति है वो उस सड़क के लिए जो भी ठेकेदार है, मैं तो अपने विधायक जी से भी पलवल के कहना चाहता हूं, और मैं खाली विधायक जी से नहीं प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं, इस काम के लिए डीएमसी की ड्यूटी होती है, जो नगर परिषद का जिसको कहना चाहिए कि जिम्मेवार अधिकारी होता है, डीसी की भी ड्यूटी होती है, सरकार के आला अधिकारियों की भी ड्यूटी होती है। जिस ठेकेदार ने वो सड़क बनाई, सबसे पहले तो ये निशानदेही करनी चाहिए कौन सा ठेकेदार है जिसने उस सड़क को बनाया था, और अगर 3 वर्ष उस सड़क को बने हुए पूरे नहीं हुए हैं तो उसको कारण बताओ नोटिस देना चाहिए कि अब तक उस सड़क को दोबारा ठीक क्यों नहीं किया गया। ये जो आपने बात करी ब्लैकलिस्ट करना, ये तो जरूरी है ही है, ब्लैकलिस्ट तो उसको करना चाहिए, और जो नेता या जो अधिकारी उसको शह दे रहा है जिस पे उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मिली भगत करके, और जोड़ लेता हूं इसके अंदर एक चीज और भी आपको, एक और वीडियो चल रहा है, हमने भी आज चलाया था वो जी, एक युवक ने शिकायत की है जन स्वास्थ्य विभाग से जी, पलवल का एक पुराना एरिया है जयंतीपुरा मोहल्ला का, और वहाँ से एक नाला बना, उस नाले को बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ पूरा, अभी 3.5-4 करोड़ रुपए की उसकी लागत लगभग, और उसकी सारी दीवारें गिर गई उस नाले की, लोग वहाँ के परेशान हैं उस नाले को लेकर के, और वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी समस्या बनेगी, इससे काम हो गया, कंप्लीशन हो गया, पेमेंट्स हो गई, और उसके बाद में 1 साल में उस स्थिति में हो गई। देखिए अगेन फिर वही बात जो मैंने पहले बताई, जो ठेकेदार जिसको जिम्मेवारी मिलती है उस कार्य को करने की, उसको खाली उसकी रखरखाव 3 साल तक देखनी होती है, अगर वो नहीं देख रहा तो जैसे मैंने पंचवटी वाली सड़क की बात की उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए देखिए हमारा जनता की तरफ से चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे विधायक हैं, हमारे विधायक को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, और मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपने उनसे क्वेश्चन भी किया था, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि राजनीति में
या देश के या किसी भी स्थिति में अगर बात करें, परिवर्तन ही एक स्थायी चीज है। मुझे कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं क्योंकि संगठन से संबंध रखता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, हर व्यक्ति का, हर नेता का रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, और ये जब भी पता लगता है 5 साल के बाद कि कौन सा प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर पूरा उतरा और कौन सा अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरा। हर जगह कंपटीशन होता है, हर जगह अच्छे लोग जो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, वो सेवा के लिए तत्पर भी होते हैं। अगर कोई प्रतिनिधि ठीक से कार्य नहीं करता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल मुझे गुरेज नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कई तो चीफ मिनिस्टर तक बदल गए। एक्शन हुआ और वो ये बता के भी नहीं करते कि किस चीज से बदलाव हुआ। लेकिन अगर आपने कार्य ठीक नहीं किया तो निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन ही स्थायी है, नहीं तो कुछ स्थायी नहीं है। जो अच्छा कार्य करेगा राजनीति में, जो योग्य व्यक्ति होगा, उसी को ही आगे स्थान मिलेगा, जनता भी उसको स्थान देगी और पार्टी भी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है तो योग्य व्यक्तियों को आगे लाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इतना सब कुछ देखते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा, निश्चित रूप से मुझे पता है उसका रिपोर्ट कार्ड जरूर बन रहा हो। चलिए, परिवर्तन की बात आपने की थी अभी। जी, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, बिल्कुल ठीक है। राजनीति का नियम भी परिवर्तन है क्या? देखिए, मैंने तो बताया अभी, राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करेगा जनता उसको बिल्कुल परिवर्तन होने ही नहीं देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से, जो उसको दायित्व दिया गया है, उसको अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाएगा, जनता की अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाएगा, तो पार्टी का यही काम होता है। पार्टी यही देखती है 5 वर्ष में जिस प्रतिनिधि ने जनता को अपने जो दायित्व है उनकी पूर्ति करी कि नहीं करी, और रिपोर्ट कार्ड बनता रहता है। और 5 वर्ष के बाद आप देखिएगा परिवर्तन। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति ठीक कार्य नहीं कर रहा, आपको बड़े पैमाने पर हमारे हरियाणा में देखिएगा, बीजेपी में कैंडिडेट्स में आपको बदलाव दिखेंगे बहुत। तो वो खाली बदलाव ऐसा नहीं है कि किसी से प्यार है या किसी से को दुश्मनी है। मैं ये भी नहीं कहता कि प्रतिनिधि जानबूझकर अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो योग्य नहीं होगा, जो कार्य नहीं कर पा रहा होगा, उसको उस पद पर रहने का कोई हक भी नहीं है। सक्षम नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जो योग्य नहीं है, जो राजनीति में शुचिता, कोई अगर ठेकेदारों के साथ मिलकर अगर ठेकेदारों को शह दे रहा है, अगर ठेकेदार गलत काम कर रहे हैं, अगर सही कार्य, जनता की गाढ़े पसीने की कमाई है जो, उसको सही तरीके से अगर वो नहीं लग पा रही है, छलावा हो रहा है, और जो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। चलिए, अंतिम सवाल पे आते हैं राजीव जी, आपसे, आपके साथ में। जी, जवाब भी मांग लिए, हिसाब भी हो गया, आपने भी सवाल कर लिए, उनसे भी जवाब मांग लिए जाएंगे, शायद वो भी जवाब दे देंगे या नहीं देंगे। जी, ये आप लोगों का और उन लोगों का काम है जो सवाल जवाब कर रहे हैं एक दूसरे से। परिवर्तन की बात आपने की थी, राजनीति में आप भी सक्रिय हैं, पलवल विधानसभा क्षेत्र के। मैंने पिछले दिनों दोस्तों एक सोशल मीडिया पलवल के कुछ नेताओं के आपके साथ साझा किए थे, उनके सोशल मीडिया वॉल, उनकी फेसबुक वॉल की मैंने वीडियोस आपको दी थी कि ये लोग सक्रिय हैं। आपका भी उसमें एक नाम था राजीव जी, कि आप भी सक्रिय हैं, हाँ, पलवल जिले, पलवल विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। जी, अपने लिए भी कोई परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है कि परिवर्तन कुछ होगा? देखिए, मैं अपनी योग्यता के अनुसार जो मुझे दायित्व दिया गया है पार्टी की तरफ से, पूरी कोशिश तल्लीनता से कर रहा हूँ कि उस पर पूरा अच्छी तरह से अमल कर सकूं, जो कार्य मुझे दिए गए, क्योंकि संगठन काम होता है लोगों के बीच जाना, तो आपने संगठन कर रहे हैं का कार्य, पार्टी की रीति नीतियां आगे पहुंचाने का कार्य है, पार्टी की विचारधारा लोगों को बताने का कार्य है, लोगों के बीच रहना, लोगों के दुख दर्द को नापना, जानना कि लोग क्या, इस समय सरकार इतनी अच्छी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। मैं आपको कहना चाहता हूं संजय जी, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि ये बदलाव का युग है, जो पिछले 10 वर्ष जो रहे, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार उनके लिए योजनाएं बनाई जाएं और कैसे योजनाएं उन तक पहुंचाई जाएं, उन तक कैसे लाभ पहुंचाया जाए, ये पार्टी पूरी गंभीरता से इस पर विचार भी कर रही है और कार्य भी कर रही है। लेकिन मैं दोबारा से एक ही बात कह रहा हूं, वो योजनाएं हमारे माननीय मोदी जी, आप देखिए कि कितने गरीब गरीब व्यक्तियों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज कोई अगर हमारे बीपीएल परिवार की बच्चे लड़कियां अगर 12वीं तक शिक्षा कर लेती हैं, उसके बाद अगर कॉलेज में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए पढ़ाई का सारा व्यय सरकार लेगी। खाली इतना ही नहीं सोचा गया, अगर कॉलेज दूर है, कॉलेज जाने के लिए अगर कोई ट्रैवल करने के लिए बस पे जाना है, सरकारी बस का व्यय भी सरकार भुगतेगी। मैं बताना चाहता हूं, गरीब व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, शगुन योजना के माध्यम से उसको बढ़ाकर 71,000 रुपए तक की मदद करने की बात की गई। अभी आपने पिछले दिनों देखा, नायब सैनी जी ने पूरे हरियाणा में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी गरीब व्यक्तियों को
कांग्रेस सरकार ने प्लॉट देने की शुरुआत योजना एक शुरू की थी, लेकिन वो सौ गज के वो अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज उसको हमारी सरकार, क्योंकि यहाँ बात श्रेय लेने की नहीं है, यहाँ जनता के हितों का, जनता के दुख दर्द को समझने की, जरूरतों को पूरा करने की बात है। तो माननीय नायब सैनी जी के आने के बाद वो भी की गई। मैंने पहले बताया बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की बात हुई, लोगों को दक्ष बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, चाहे यहाँ पर कौशल विश्वविद्यालय खोलने की बात थी, दुधौला में खोला गया। पलवल में इतनी समस्या जाम की रहती थी, पुल बनाना था, उस पर फ्लाईओवर बनना था, कांग्रेस पार्टी के लोग आज ये कहते हैं वो पुल 6 लेन का नहीं बनाया गया, 4 लेन का बनाया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 25 साल से उन्होंने 4 लेन का भी क्यों नहीं बनाया, वो तो बनाते। तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी गरीब व्यक्ति के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, लेकिन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के काम प्रतिनिधि करेंगे। तो मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, खाली जिम्मेवारी पार्टियों की नहीं है, खाली जिम्मेवारी नेताओं की नहीं है, जनता की भी जिम्मेवारी है। योग्य व्यक्ति उनको जो लगता हो कि योग्य व्यक्ति कौन है, कौन जनता के दुख दर्द को समझता है, कौन राजनीति में शुचिता ला सकता है, कौन ऐसे लोगों पर जो जनता के गाढ़े पैसे की कमाई पर डाका डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को दंडित करने का काम कर सकता है, उनको ब्लैकलिस्ट करने का काम कर सकता है, उनके साथ मिलकर नहीं, जनता का एक सेवक बनकर, चौकीदार बनकर उनके हितों की रक्षा कर सकता है, ऐसे लोगों को जनता को भी आगे करना चाहिए। जब तक जनता अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगी, मैं कहना चाहता हूं योग्य व्यक्ति उतने आगे नहीं आ पाएंगे। और परिवर्तन की आपने बात की, मैं तो जनता के बीच हूं, जनता से समर्थन भी मांग रहा हूं, जनता के पास भी जा रहा हूं, पार्टी से भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। मेरे पिताजी ने भी पहले कार्य किया और मुझे ऐसा लगता है अपनी कसौटी पर पूरा खरे उतरे, ईमानदारी से राजनीति में शुचिता लाने का प्रयास किया, कभी गलत तरीकों से, गलत संसाधनों से अपना घर भरने का कार्य नहीं किया। तो उसी सबको कार्य को दिखाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि पलवल के विकास के लिए उनका बेटा भी कार्य करना चाहता है, और पलवल में IMT खोलने की बात हो, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से भी बताया कि पलवल के युवाओं के लिए रोजगार की जो वो सुविधा है, खाली सरकारी नौकरियां पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा प्राइवेट नौकरियों के लिए भी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन पलवल में बनना चाहिए। आज पलवल में पानी भर जाता है, आप देखिए सारी वाटर लॉगिंग हो जाती है, एक ही नाले पर सारा बोझ है। उसके अलावा अल्टरनेट मीन्स बनने चाहिए, अल्टरनेट संसाधन होने चाहिए, जो बारिश जब ज्यादा होती है सावन में तो उस समय पानी की निकासी की व्यवस्था करनी है, उसके लिए शुरुआत से स्क्रैच से कैसे काम किया जाए, सारे पॉइंट चिन्हित किए जाएं कि कहां कहां वाटर लॉगिंग होती है, उनको कैसे उनको ठीक करना है, विशेषज्ञों की उसमें सलाह लेने की जरूरत है तो वो भी लेने की जरूरत है। तो मैं बताना चाहता हूं, उसके अलावा हमारे पलवल की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और जो सारे काम है मेरी बड़ी प्राथमिकताओं में है, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार बोला। तो अगर मुझे मौका मिलता है और मैं अपनी पार्टी को लगता है कि मैं योग्य हूं, जनता को लगता है कि राजीव उनकी परेशानियों का समाधान करने के लिए योग्य है, तो निश्चित रूप से मैं जनता के। चलिए बहुत सारा हुआ, आपने जो सारी बातें कही इसके अंदर मुझे दो बातें मैंने पकड़ी जी, एक तो आपने कहा पुल और एक आपने कहा कौशल जी। तो क्या आपकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है जी, वो ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों के कौशल को पहचानेगी जो पुल बन सकता है सरकार और जनता के बीच में? देखिए मैं इसमें भी बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से जो उनके कार्यकर्ता हैं, कोई भी क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी पहचान करती रहती है, और इसी का परिणाम है कि नए नए लोगों को जरूर अवसर देती रहती है। आप देखिए अभी पीछे सरकार में आपने देखा कि मुख्यमंत्री तक भी बदल दिए गए। ऐसा नहीं था कि वो जो मुख्यमंत्री थे वो लोकप्रिय नहीं थे या उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े गए, लेकिन नए लोगों को जो अवसर देने की बात है कि जिससे नई प्रतिभाएं भी अपना लोगों को दिखा पाए कि उनके पास क्या योग्यता है और वो कैसे समाज में योगदान करना चाहती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आकलन करती रहती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस बार मुझे मौका देगी और मैं अपने क्षेत्र की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा। तो ये थे राजीव कत्याल जो कह रहे हैं कि उनके कौशल को भी पार्टी पहचानेगी और उनके अंदर जो एक मादा है पुल बनने का, सेतु बनने का जनता और सरकार के बीच में, क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसे पॉलिटिशियन का होना। इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा जो सवाल कर रहे हैं तो काउंटर सवाल राजीव कत्याल ने उनसे किए कि वो भी बताएं सरकार, सवाल तो बीजेपी के और नेता भी कर रहे हैं लेकिन राजीव कत्याल ने काउंटर सवाल किया ठीक 24 घंटे पहले जब दीपेंद्र हुड्डा आने वाले। एक सवाल और करना चाहता हूं, एक सवाल और रह गया, एक सवाल और करना दीपेंद्र हुड्डा जी से। मैं देख रहा था पीछे संसद का जब पहला सत्र चला, जब नई सरकार का गठन हुआ, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अपना उद्बोधन दे रहे थे और उन्होंने एक बड़ी हास्यास्पद बात करी संसद में, उन्होंने बोला हिंदू हिंसक है। और मैं देख रहा था दीपेंद्र हुड्डा जी जस्ट उनके पीछे बैठे हुए थे क्योंकि मैं लाइव देख रहा था उस कार्यक्रम को, और बजाय ऐसी चीज पर खेद प्रकट करने की बजाय वो तालियां बजा रहे थे उस समय।
तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो भी अपना स्पष्टीकरण दें इस बात पे कि क्या हिंदू वाकई में उनके हिसाब से भी हिंसक है क्या। मुझे बड़ा खेद है ऐसे सुनकर ये जो बयान आया था, तो इस बात का भी स्पष्टीकरण अपने सवाल के जवाब। तो राजीव पत्याल कह रहे हैं कि धर्म की बात करने वाले दीपेंद्र हुड्डा ये भी बताएं कि क्या वाकई हिंदू हिंसक है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो सवाल जो उनकी पार्टी के नेताओं पर उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब भी दिया, और ये कहा कि एक्शन होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी आदमी ने गलत किया हुआ है। कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो यानी कि भारतीय जनता पार्टी है वो बिना किसी भेदभाव के चाहे अपने हो पराए हो सब पर कार्रवाई करती है, अगर कोई आरोप लगते हैं तो बेबुनियाद हैं। इसके साथ साथ राजीव कत्याल ने कहा कि वो भी आशान्वित हैं और उनको भी पूरा भरोसा है कि पार्टी उनके कौशल को उनके हुनर को पहचानेगी और उनको एक मौका देगी। तो राजीव कत्याल जी आपको भी हमारी भी शुभकामनाएं कि आपके कौशल को पहचाना जाए और आपको भी मौका मिले। बहुत धन्यवाद बनने का। धन्यवाद जी आपका। चुनावी सीजन है, मैं आपसे लगातार कहा करता हूं कि चुनावी सीजन में नई नई शख्सियत नई नई हस्तियां और वो लोग जो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं हम भी पुल बनेंगे उनका कि उन तक आपकी बात पहुंचाएं। और इस माध्यम के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।